लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री। कार्य को मैं ही समझ सकती हूँ कि कितना प्यार हमें वहाँ दिखाते हैं। चुनाव में इससे ज्यादा वोट मिलनी चाहिए और यहाँ से मुझे पूरा गाइस कैसे हो। तो आज है हमारे यहाँ का प्रोग्राम, जो हमारे यहाँ जनरल साहब आ रहे हैं तो उसके प्रोग्राम में तैयारी दिखाते हैं हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो भाई एक कुर्सी का सेटअप है, ये टेंट है, साउंड लग चुका है हमारा और रैली के लिए भी गाड़ी तैयार हो चुकी है। तो भाई इधर हाथ में टेंट लगा देता फिलहाल, तुमने ये सुबह सुबह आगे करे हमने तैयारी, खूब मेहनत लगती है भाई इनमें, मजाक मजाक में हम सोचते हैं। कितना टाइम लगेगा बे? 5 मिनट। इधर मजे ले रहे हैं, इनको क्या पता। रैली का दिखाएंगे तो हम अपने हमारे ब्लॉग में बने रहिए भाई। वीके सिंह के स्वागत में गाड़ी आ चुकी है, हमारे प्रधान जी हैं। भाई आवाज कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई नाराज हो जाएंगे। ये हमारे प्रधान जी आ गए, किधर से आएंगे? भाई ढोल ढोल सब है स्वागत में, भाई काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे। तेरा ओए दबनी नीचे आवाज। हमारे इनके आने में स्वागत। वस्त्र भेंट कर सामने आइए मिश्रा जी।
बहुत परेशान है सब। तो पट्टी करवा दे उसकी यार, खून निकल रहा है उसकी खाली होती में। पट्टी करवा दे उसकी। अंगवस्त्र के साथ ताली को साथ देते रहे अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि आज आपके बीच में उपस्थित हैं। सुनेंगे और अपनी जो खुशी का इजहार है वो भी हम आपसे मिलकर यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन और जिला पंचायत अध्यक्ष और हरिंदर प्रधान भाई जो दो बार पहले प्रधान रहे हमारे हमारे ब्लॉक के हिस्सा थे, अब सभासद है वार्ड नंबर 20 से, उसे पूरे एक बार क्योंकि और ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिस पर ये देश की नीम टिकी है, सीमाओं पर सेना अध्यक्ष रहे हैं आपके, ये तो बहुत छोटा सा कद है, लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण की भावना हो तो उस राष्ट्र निर्माण में आप सब लोग जैसे आहुति लगाते हैं, माननीय जनरल साहब भी मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें आहुति लगा रहे हैं और आज जनसेवा में आपके बीच में निरंतर आपके बीच में रहते हैं। तो पहले एक बार बहन ममता बसंत त्यागी जी बोलेंगी, फिर जनरल साहब आपसे हालचाल जानेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पुनः आपके चरणों में नमन प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अभी नव नियुक्त जिलाध्यक्ष आपके बीच में अपनी बात को रखी है और उन्हें आप सभी का खूब खूब आशीर्वाद भी मिले कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भली भांति से कुशलता से करें। और आपके बीच में जैसा कि अभी प्रधान जी ने कहा, निरंतर रही हैं और आगे भी रहेंगी और माननीय सांसद जी के द्वारा जो भी उनके द्वारा यहाँ कार्य किए गए हैं जब यह देहात क्षेत्र में था तो उसी के अनुरूप आज आपके बीच में उपस्थित हैं और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ जिला पंचायत माता की, वंश पे विराजमान केंद्र में मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल वी के सिंह जी और बराबर में जो अभी चुन के आए हैं, पूर्व में नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी रहे और वर्तमान में जिला अध्यक्ष और भाई लोनी के ब्लॉक प्रमुख पति और हरिंदर जो प्रधान रहे कई बार से लाचीपुर से और वर्तमान में वार्ड नंबर 20 से सभासद और मेरे बराबर में बैठे भाई रवि प्रधान जी, राजेंद्र वाल्मीकि जी, हरिंदर जी के पापा टीटू प्रधान जी और मैं सभी मेरी बहनें विनीता सिंह जी और सुनीता सोम जी जो वर्तमान में अभी चुनाव जीत कर आई हैं, वे भी दोनों सब अपने घर की तरह हमारे सबके रिलेशन रहते हैं। तो चाहे आपकी बार 10 लाख वोटों से जीत के 14 से बाद में 24 घंटे लाइट आती है तो हम गांव वालों को यही सुविधा तो चाहिए या नहीं, और इसके बजाय जो भी हमारी कोई समस्या रहती है हम कहीं जाके कहे तो वो एकदम होती। तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है, प्रत्याशियों की सुनती भी है और करती भी है, तो जनरल साहब से मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ और हमारे क्षेत्र में इतने कार्य हो रहे हैं, गाजियाबाद को एक नई मतलब। माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात हम सब के बीच में आशीर्वचन के रूप में रखें, आदरणीय सांसद। अब कुछ हमारी महिलाएं जो हैं वो उधर पेड़ के नीचे बैठी हैं, जरा उनके लिए आगे जगह कर दो, थोड़ा सा बुला लो उनको इधर बैठने के लिए। आइए आप लोग इधर आ जाइए, जगह है आपके लिए, जरा जगह बना दीजिए। जहां तक बाढ़ का था मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी बता रहा था, हमने बात की है जल शक्ति मंत्री जो कि सिंचाई विभाग भी देखते हैं, पुश्ते को और मजबूत कराएंगे, थोड़ा और ऊंचा कराएंगे, जहां पे जरूरत हो दो पुश्ते बनेंगे और ऊपर अच्छी सड़क बनेगी ताकि आगे के आने वाले दिनों में कभी ऐसी हालत ना आए कि ये दोबारा ब्रीच हो और आपको दिक्कत आए। अब कानून व्यवस्था भी ठीक है, अब किसी को रात में आने में डर भी नहीं लगता, किसी को ऐसा नहीं है कि पहले कहा जाता था कि हाँ जी भाई हम भोपरा आ गए, अपनी बेटी को भोपरा लेके आ जाओ, वहीं से ले जाएंगे, हम कॉलोनी में नहीं आएंगे।
ऐसा भी होता था, ऐसे ही था ना? अब नहीं, अब आपके इतने सालों से जो आप समस्या झेलते आए उसका एक पूर्णतः अच्छा, हमारा काम हो चुका है खत्म, कुर्सियां सारी इकट्ठी गई, तो अब की बार का नेता ये बना पड़ा है, कुर्सियां सारी इकट्ठी है, जाएंगे खाएंगे पियेंगे, क्योंकि भाई एक बज चुके हैं, खा पी के आराम करके फिर शाम को ये माल उठाएंगे, और देख सकते नहीं है एक भी पब्लिक नहीं इधर उधर। ये आए थे जनरल वीके सिंह, सांसद गाजियाबाद के केंद्रीय मंत्री, ममता बसंत त्यागी भी आए थे, श्री सतपाल प्रधान जी भी आए थे, हरिंदर प्रधान हमारे बड़े भाई, ये तो यहाँ के पार्षद हैं, औरत भी आई थी, तो हालचाल जानने आए थे हमारे क्षेत्र का, तो क्षेत्र का हालचाल सब बढ़िया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 50 फुटा बन रहा है, तरक्कियाँ हो रही है, धीरे धीरे और कुछ भी तरक्की हो जाए मज़ा आ जाएगा, बाकी मज़ा आ रहा है काम धंधा करके।